वन मोर गुड डिसीज़न बाय शाओमी। तो यहाँ पे शाओमी ने अपने एंड्रॉयड डिवाइसेस यानी कि अपने शाओमी डिवाइसेस में कुछ और मेजर चेंजेस यहाँ पे कर दिए हैं। उस वाले चेंजेस की हेल्प से हम सभी को यहाँ पे बेनिफिट ही देखने के लिए मिलने वाला है। तो यहाँ पे ऐसा क्या चेंज किया गया है पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहना क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको सबसे पहले मेरे टेलीग्राम चैनल और मेरे यूट्यूब चैनल दोनों पे देखने के लिए मिलती रहती है। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड लेटेस्ट न्यूज़। तो यहाँ पे Xiaomi हैज़ रीच्ड अ कॉर्पोरेशन विद ओप्पो एंड वीवो फॉर सीमलेस डाटा माइग्रेशन बिटवीन द डिवाइसेस। जैसा कि हम सभी को पता है यहाँ पे MI गैलरी एप्लीकेशन का डाटा माइग्रेट होकर के गूगल फोटोज़ में हो चुका था। तो अब यहाँ पे Xiaomi अपने सारे डिवाइसेस का डाटा ओप्पो वीवो और अदर एंड्रॉयड डिवाइसेस में माइग्रेट करने जा रही है। अब आखिर इसका मतलब क्या है मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे देता हूँ। तो यहाँ पे अब Xiaomi has reached cooperation with Oppo and Vivo for seamless data migration between the devices। मान लीजिए कि आप अपना Android डिवाइस चेंज करने जा रहे हैं Xiaomi से Vivo और Oppo में, तो आप अपने Xiaomi के डिवाइस का सारा डाटा Vivo और Oppo में एक ही क्लिक में यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसी के साथ आप यहाँ पे यू कैन ट्रांसफ़र चैट्स ऑल्सो वैन स्विचिंग फ़ोन्स। तो यहाँ पे आप अपने चैट्स को भी बहुत ही ईजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये केवल यहाँ पे Xiaomi Vivo और Oppo ही माइग्रेट हो रही है, बाकी Realme Samsung इनके कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे इन ऑर्डर टू ब्रिंग यूज़र अ बेटर रिप्लेसमेंट एक्सपीरियंस Xiaomi हैज रीच cooperation with Vivo and Oppo. In addition to system data such as photos and contacts, Xiaomi has newly added support for migrating third-party applications data from Vivo and Oppo phones, so you don't have to worry about your chats record when switching phones. तो अब से आपको जब भी आप स्विचिंग फ़ोन्स करेंगे यानी कि फ़ोन एक्सचेंज करके कोई नया मॉडल बाय करेंगे तो आपकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ जो भी आपका डाटा है आप सब कुछ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये अभी के लिए केवल Xiaomi Oppo Vivo में होने जा रहा है, फ्यूचर में हो सकता है और भी कंपनीज यहाँ पे ऐड हो जाए। तो यहाँ पे Vivo और Oppo है तो यहाँ पे IQOO का भी नाम हमें देखने के लिए मिल सकता है फ्यूचर में। और ये यहाँ पे 90% कंफर्म भी हो जाता है क्योंकि Vivo Oppo IQOO यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम डिवाइसेस ही देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे इस वाली गुड न्यूज़ की हेल्प से यूजर्स को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देखने के लिए मिलने वाला है। तो आपको ये वाली न्यूज़ कैसी लगी अभी कमेंट कीजिए। और ऐसी न्यूज़ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ यहीं पर ही देखने के लिए मिलती रहे। ये तो यही थी आज की पूरी डिटेल वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर से करके जाएं। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही।